साराभाई नीतू निगम, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास सेकंड के मैथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस चैप्टर फिफ्थ एंड सिक्स से, लेंथ मास एंड कैपेसिटी एंड शेप चैप्टर से। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आप सीबीएसई क्लास के लिए बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं और साथ ही ओलंपियाड एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फिफ्थ, लेंथ मास एंड कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर वन, द डिस्टेंस बिटवीन अ बी एंड अ फ्लावर इज 650 मीटर। इन द लास्ट मिनट द बी फ्लू 200 मीटर टूवर्ड्स द फ्लावर। इन द सेकेंड मिनट इट फ्लू अनदर 150 मीटर। हाउ फार मस्ट बी fly in the third minute of the reach of the reach the flower। चलिए इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। बी एंड फ्लावर के बीच की डिस्टेंस है 650 मीटर, ठीक है। फर्स्ट मिनट में 250 ऊपर जाती है, सेकंड मिनट में 150 मीटर एंड फ्लावर से थर्ड मिनट में क्या डिस्टेंस होगा? तो 250 प्लस 150 मीटर इक्वल टू 3 जाती है। तो 650 मीटर माइनस 350 इज इक्वल टू 300 मीटर। तो बी मस्ट फ्लाई 300 मीटर इन द थर्ड मिनट टू रीच नंबर सेकंड। मिस्टर अखिला यूज 3 to 30 सेंटीमीटर ऑफ थ्रेड ऑन अ सम ब्लाउजेस। सी यूज्ड 180 सेंटीमीटर मोर थ्रेड्स ऑन द सेम ड्रेसेस देन द ब्लाउजेस। सी है 330 सेंटीमीटर ऑफ थ्रेड लेफ्ट, हाउ मच थ्रेड डिड ही सेव एट फर्स्ट? मिस्टर अखिला 230 सेंटीमीटर थ्रेड जो है सेम ब्लाउजेस, सम ब्लाउजेस के लिए यूज करती है कुछ ब्लाउजेस के लिए, और 180 सेंटीमीटर ज़्यादा थ्रेड जो है सम ड्रेसेस के लिए उसकी तुलना में यूज करती है। तो सी है 330 सेंटीमीटर थ्रेड ऑफ द लेफ्ट, उसके पास 330 सेंटीमीटर थ्रेड बचा हुआ है, तो कितने थ्रेड फर्स्ट टाइम में उसके पास था? चलिए पहले देखते हैं बी में 230 सेंटीमीटर प्लस 180 सेंटीमीटर इक्वल टू 410 सेंटीमीटर। बी ब्लाउज बनाने के लिए ब्लाउज बनाने के लिए 230 सेंटीमीटर एंड ड्रेसेस के लिए 180 सेंटीमीटर, दोनों को करेंगे ड्रेस के लिए 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब जो है ब्लाउज ड्रेस एंड लेफ्ट, ब्लाउज में 230 सेंटीमीटर लग रहा है, ड्रेसेस में 410 सेंटीमीटर लग रहा है, उसके पास लेफ्ट 330 सेंटीमीटर, दोनों को 970 सेंटीमीटर। तो सी हैड 970 सेंटीमीटर थ्रेड एट अ फर्स्ट स्टार्टिंग, उसके पास 970 सेंटीमीटर थ्रेड। नंबर 3 इज 475 मीटर ऑन ट्यूसडे एंड 500 ऑन वेडनेसडे पैटर्न, हाउ फार डिड द जॉग ऑन फ्राइडे। इसी पैटर्न में अगर वह जॉगिंग कर रहे हैं तो फ्राइडे को क्या करेगा? देखिए फर्स्ट जो है आपका हो जाता है मंडे को 400 मीटर एंड 475 मीटर ट्यूसडे, तो 400 टू 475 मीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को 550 मीटर, यानी इसका पैटर्न क्या हो रहा है, 4 मीटर मंडे को जॉगिंग कर रहा है प्लस 75 मीटर ऐड करके फिर ट्यूसडे को कर रहा है, फिर 550 वेडनेसडे को है तो प्लस 75 मीटर हो रहा है। तो इसी दिन इसी प्रकार हर रहा है, तो इस प्रकार हो गया। देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक हमारा दिया हुआ है, तो वेडनेसडे 550 प्लस 75 625 और 625 प्लस 75 इज इक्वल टू 700 मीटर। सो ही जॉग 700 मीटर ऑन द फ्राइडे। A Janvi is 130 centimeter tall. Amar is 20 centimeter taller than Janvi, 6 centimeter shorter Gaurav. How tall is Gaurav? Janvi X cent is 130 centimeter. Amar 70 centimeter. Janvi से लंबा है, लेकिन 26 centimeter Gaurav से छोटा है। तो इनमें सबसे बड़ा, तो how tall is Gaurav? Gaurav से बड़ा कौन है? चलिए इसको पहले हम देख लेते हैं। अमर हाइट हो जाता है 130 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर, तो 147 सेंटीमीटर। फिर 147 प्लस 26 इक्वल टू 173 सेंटीमीटर, तो गौरव इज 173 सेंटीमीटर टॉल।
गौरव कितना लंबा है? तो गौरव इज 173 सेंटीमीटर टॉल. नंबर बी, पोल एक्स इज थ्राइस एज लॉन्ग एज पोल वाई. इफ पोल वाई इज 3 मीटर लॉन्ग तो हाउ लॉन्ग इज पोल एक्स? लंबा है तो पोल एक्स कितना लंबा होगा? तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. सो पोल एक्स इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग. नंबर ए वाज 23 सेंटीमीटर लॉन्ग, 29 सेंटीमीटर लॉन्ग. स्ट्रिप बी वाज देन जॉइंट टू स्ट्रिप ए बाय ग्लूइंग देम टुगेदर एज द लेंथ ऑफ द न्यू स्ट्रिप इज 49 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ ओवरलैपिंग पोर्शन. ओवरलैपिंग पोर्शन है उससे किया गया है वो कितना पोर्शन है ये हम निकाल. तो चलिए देखते हैं. स्ट्रिप ए प्लस स्ट्रिप बी सेपरेटली हो जाता है 23 प्लस 29 इक्वल टू 52 सेंटीमीटर. न्यू स्ट्रिप क्या है 49 सेंटीमीटर. सो 43 सो लेंथ ऑफ ओवरलैपिंग पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर. ऑब्जर्व द डायग्राम बिलो केयरफुली. ये ट्रायंगल्स में P and Q है, फिर R and Q. If the mass of object Q is 20 kg, which of the following could mass of P and R? P is equal to 18 cm, R is equal to 22 cm. B is equal to P is equal to 19 kg, R to 20 kg. P is equal to 22 kg, R is equal to kg, and P is equal to 24 kg, and R is equal to 20 kg. चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं. Not that P is lighter than Q and Q is lighter than R. So it means the mass of P should be less than 20 kg and mass of R should be more than 20 kg. The only option that match both condition is P is equal to 18 cm or R is equal to 22 kg. So this option is one is correct answer. What is the mass of one apple? यहाँ पे वन एप्पल प्लस देख लेते हैं. यहाँ पे फोर एप्पल एंड थ्री ऑरेंज इक्वल टू वन एप्पल एंड वन ऑरेंज. ओके तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वन एप्पल वन ऑरेंज वन ऑरेंज वन एप्पल ऑरेंज इक्वल टू 250 प्लस 250 प्लस 250 इक्वल टू 750 केजी. सो 4 प्लस 3 इक्वल टू 90 केजी. सो 3 प्लस 3 इक्वल टू 470 केजी. 900 माइनस 470 150 केजी हो गया. तो मास फाइनल इज 450 केजी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द मास ऑफ ऑरेंज? एप्पल हैव द सेम मास एंड ऑल ऑरेंज हैव सेम मास. चलिए इसमें देख लेते हैं. 150 ग्राम इक्वल टू 250 ग्राम इक्वल टू 250 माइनस 150 इक्वल टू 100 ग्राम. द मास ऑफ वन ऑरेंज One orange is 100 gram. चलिए next chapter हम chapter 6 देख लेते हैं shapes. Number 1, study the figure below carefully and answer the following questions. ये shape दिए गए हैं, इसके according हमें answer देना है. A, which the figure has least number of rectangles. B, में which shape used to form of three figure, half and total figure, total number of rectangle and semicircle used form of figure is एंड तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन ए टू रेक्टेंगल्स हैं, ऑप्शन बी वन टू थ्री रेक्टेंगल्स हैं, ऑप्शन सी में फाइव रेक्टेंगल्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव. ठीक है ऑप्शन सी में फाइव रेक्टेंगल हैं एंड ऑप्शन डी में वन. दिस इज वन रेक्टेंगल. चलिए अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर हम सॉल्व करते हैं. नंबर बी, फिगर ए सर्कल ए रेक्टेंगल टू. फिगर बी में सर्कल ए रेक्टेंगल थ्री एंड क्वार्टर सर्कल फोर है. नेक्स्ट फिगर सी ट्रायंगल में थ्री है, सेमी सर्कल सेवन है एंड रेक्टेंगल फाइव है. आप इमेज को पॉज करके इसको करेंगे. रेक्टेंगल 5 हो गए तो 3 प्लस 7 इक्वल टू 10 रेक्टेंगल एंड सेमी सर्कल. 10 प्लस 2 इक्वल टू 5
5 is equal to 4 plus 1 circles. The number of circle used to form the three triangle is half, and total number of triangle and semicircle used to form figure C. Study the figure below carefully and answer the following questions. चलिए पहला देखना, इफ टू ऑफ द सर्कल इन फिगर ए, फिगर ए में टू सर्कल एंड कट इन टू क्वार्टर सर्कल एंड ऑल द सेमी सर्कल इन द फिगर सी आर कट इन टू क्वार्टर सर्कल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ क्वार्टर सर्कल इन फिगर सी एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर सर्कल इन फिगर ए एंड बी. इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए और फिर इसको सॉल्व करिए. चलिए मैं सॉल्व करके बता रही हूँ. 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर सर्कल फिगर ए, 7 प्लस इंटू 2 is equal to 14 quarter circles figure C, 8 plus 4 is equal to 12 figure A and figure B. So 14 minus 12 is equal to 2. The difference between the number of quarter circle in figure C and total number of quarter circle in figure A and figure B is equal to. अब हम देखेंगे बट follow the case draw the shape in the figure. A, use one semicircle, one triangle and one rectangle. So use one semicircle, one square, one rectangle and one triangle. So इस प्रकार हम draw कर सकते हैं semicircle, rectangle and square, article and triangle. Number 4. Look at the solid below carefully. By balancing mark solid cone. So now of table winner item हो गया number of फ्लैट फेसेस, नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस एंड सी में 1 एंड में 0 एंड 2 एंड एफ में 1 एंड 1. तो आई होप ये दो चैप्टर के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे. इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज हमारे चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूले जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक यू.